गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एएससीसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति अर्थात इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का चैप्टर नंबर 2.2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? एक्सरसाइज 2.2 का चैप्टर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपका है, इसमें इसका पहले हेडिंग है, हम जो क्वेश्चन को बता रहे हैं आप लोग को, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, और जो आपका जो क्वेश्चन है उसको हम बोल रहे हैं। पहले हेडिंग डाला है कि प्रूव द फ्लोइंग, मतलब इसका मतलब कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। बोला है कि प्रूव द फ्लोइंग, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, मतलब जितना क्वेश्चन दिया है उसको हमको सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें का जो हमका फर्स्ट क्वेश्चन का जो बात करने वाले हैं वो है फर्स्ट क्वेश्चन, 3 साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू कॉमा, यहाँ दिया है कि x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल माइनस 1/2, 1/2। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको सुनिएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, इसको बोलेंगे x बिलोंग्स का चिन्ह, किसका चिन्ह बिलोंग्स है, x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल, क्लोज मतलब बंद होता है, बिलोंग मतलब होता है उसमें शामिल, बिलोंग मतलब उसमें शामिल, मतलब x किसका शामिल होना चाहिए, किसका अवयव होना चाहिए, माइनस 1/2, 1/2 का। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, मतलब हमको इससे एक खाली कंडीशन डाला है कि हम लोग का ये जो क्वेश्चन दिया है वो डिफाइन मीन्स परिभाषित होता है, ये डिफाइन मीन्स परिभाषित होता है, ये डिफाइन तभी है जब x का वैल्यू जो होगा, x का जो मान होगा इसके अंदर रहना चाहिए। ओके, इससे कोई मतलब नहीं, कंडीशन डाला है, बस हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने का आपको तरीका जानते हैं, आप लोग बताएं कि लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल का है थीटा है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल का मान लिया थीटा, एक्स इक्वल क्या बन जाएगा हम लोग का, साइन थीटा। क्लियर है, हम लोग चलें किसे, फ्रॉम क्वेश्चन से, फ्रॉम किसे चलेंगे, क्वेश्चन से। ओके, फ्रॉम हम किससे चलेंगे बाबू, क्वेश्चन से, जब क्वेश्चन से चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, साइन वर्स एक्स क्या माने थीटा, तो 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको प्रूफ किसके रूप में लाना है, साइन के रूप में, इसीलिए हम यहाँ पर क्या ले ली, साइन ले ली। और आप लोग जानते हैं कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin θ माइनस 4 sin θ। ओके, अब जानते हैं 3θ साइन इधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, तो साइन इनवर्स 3 sin θ माइनस क्या बन जाएगा, 4 sin θ। ओके, तो अब यहाँ पर बात किया जाएगा, 3θ का मान पुट कर दीजिए, तो थीटा का मान क्या माने हैं, साइन इनवर्स एक्स, इसको इक्वेशन मान लीजिए, साइन इनवर्स एक्स कहाँ से आया, थीटा का मान समीकरण 1 से आया, इक्वेशन 1 से आया। अब क्या हो गया, साइन इनवर्स 3 sin θ का मान x है माइनस 4 sin θ का मान x है, लेकिन क्यों हो जाएगा, यही हम लोग का प्रूफ हो गया, दैट इज, जिसको क्या लिखेंगे, प्रूफ, दैट इज का हो गया प्रूफ, आ गया ना, अर्थात ये साबित हो गया, क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, दैट इज प्रूफ का मतलब अर्थात ये सत्यापित है, क्या है वो, सत्यापित है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 cos inverse x, क्या लिखेंगे, cos इनवर्स क्या लिखेंगे, 4x क्यू माइनस 3x। सोल्व किया जाएगा, इसका भी कंडीशन हम लोग का डाला है, इसका क्या कंडीशन डाला है बाबू, इसका कंडीशन है x बिलोंग्स मतलब अवयव,
बिलोंग मीन्स अवयव, एक्स अवयव है, एक्स अवयव है वन बाय टू कॉमा वन का, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब इससे है, बट इसलिए दिया है कि जो डिफाइन हम लोग का फंक्शन होगा वो इसमें रहेगा वैल्यू उसका, तभी उसका मान परिभाषित हो सकता है। ओके चलिए माना जाए लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल क्या मान लिया जाए थीटा, तो एक्स इक्वल क्या बन जाएगा बाबू, एक्स इक्वल क्या बन जाएगा कॉस थीटा, एक्स इक्वल क्या बन जाएगा हम लोग का कॉस थीटा। ओके क्या किया जाए, फ्रॉम चलेंगे इक्वेशन वन से, फ्रॉम क्वेश्चन से इक्वेशन सॉरी फ्रॉम क्वेश्चन मतलब प्रश्न से चलेंगे तो थ्री कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या है, अब यहाँ इसके साथ क्या लगा दिया जाए, कॉस लगा दिया जाए तो क्या हो जाए कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। ओके थ्री थीटा इक्वल यहाँ पर लिख देंगे कॉस इनवर्स यहाँ फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। ओके अब लास्ट में आप मान पुट कर लीजिए थ्री कॉस इनवर्स एक्स इक्वल कॉस इनवर्स यहाँ क्या लिखेंगे फोर कॉस क्यू थीटा सॉरी फोर कॉस एक्स का मान कॉस थीटा का मान पुट करिएगा एक्स क्यू यहाँ का बन जाएगा थ्री। इस तरह से एनसीईआरटी 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा हम लोग का क्या हो गया, वो प्रूफ हो गया, पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके चलिए अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसका वो बात करेंगे, तीसरा क्वेश्चन का बात करेंगे। ओके हम किसका बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा का। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाने से पहले हम आप लोग कुछ फार्मूला का यूज करना सिखा रहे हैं, फार्मूला देखिएगा आप लोग पढ़े हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस का है एक्स वाई, ये हम लोग का फार्मूला है, प्रॉपर्टी है, आप लोग ध्यान दीजिए प्रॉपर्टी नंबर 6 है। तो हम क्वेश्चन नंबर जो थर्ड बनाने वाले हैं सुनिएगा, जो क्वेश्चन नंबर जो हम थर्ड बनाने वाले हैं वो थर्ड क्वेश्चन को उतारे हैं, देखिएगा दिया है टेन इनवर्स 2/17 है, टेन इनवर्स 2/11 है आप प्लस हम लोग का दिया है टेन इनवर्स 7/24 है, और टेन इनवर्स 1/2 हमको लाना है, टेन इनवर्स 1/2 हमको क्या करना है लाना है। ठीक है तो हम यहाँ पर सोल्व करेंगे बाबू, जब सोल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा टेन इनवर्स LHS लेंगे, क्या लेंगे हम लोग का LHS, ठीक है तो LHS जब लेंगे तो टेन इनवर्स कितना है 2/11, टेन इनवर्स 7/ कितना है 24, कितना है इसके बराबर में, ये बराबर यहाँ भी लिख सकते हैं लेकिन कॉपी आप लोग का छोटा होगा इधर नहीं हट पाएगा इसीलिए हम यहाँ बराबर लेकर चल रहे हैं, इसके बराबर हल कर रहे हैं। ओके तो सुनिएगा तो सबसे पहले मिलाइएगा कि क्या ये इसके जैसा है कि नहीं, दोनों में टेन है, ये है टेन है, यहाँ एक्स है, यहाँ क्या हवाई है, ये एक्स का काम 2/11 करेगा और वाई का काम 7/24, एक्स काम 2/11 करेगा और वाई का काम कौन करेगा 7/24। तो सुनिएगा कि इसके बराबर फार्मूला क्या होता है टेन इनवर्स, इसके बराबर फार्मूला क्या होता है टेन इनवर्स, एक्स का काम 2/11 करेगा और वाई का काम 7/24 करेगा, क्लियर है। फिर नीचे का बात किया जाएगा तो नीचे 1- है, एक्स का काम 2/ कितना है 11 है और इसका मान 17/ क्या है 24, क्लियर है। इतने मान को हम बैठा दिए, देखिए इसके बराबर फार्मूला है, वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब सुनिए बाबू यहाँ पर करना क्या है, ध्यान देना है आप लोगों को टेन इनवर्स ये दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 264 हो जाएगा, 11 और 24
11 24 का जब एलसीएम लेंगे जिसको लसा बोलते हैं, तो आप लोग का वैल्यू जो इसके बराबर आएगा वो 200 कितना आएगा, 64 है, कितना आएगा 264। अब 11 का पारा पढ़िएगा तो 24 बार में कटेगा, और 24 का टेबल दो बार में पढ़िएगा तो 48 टेबल भी पारा होता है, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, 24 का पारा पढ़ के 11 बार में 11 मल्टीप्लाई 11 77 हो जाएगा, ओके। अब सुनिएगा अपन, इसके नीचे कुछ नहीं था, क्या है वन है। आपके दिमाग में ये दौड़ता होगा कि सर ये 2 से 24 कटा सकता, कटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, कटा भी सकते नहीं भी कटा सकते, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। हम नहीं कटाना चाह रहे, हम नहीं कटाना चाह रहे, आपका मन है तो कटा सकते लेकिन हम नहीं कटाएंगे, ओके। तो सुनिएगा, फिर इसका एल्शियम लीजिएगा, सबका एल्शियम लीजिएगा तो हम लोग का 264 हो जाएगा। एल्शियम में किसका, एक का 11 का 24 का, एक का 11 का 24 का, एल्शियम लीजिएगा तो कितना 264, ठीक है। एक में सुनिएगा, एक में ध्यान दीजिएगा, एक में 264 से भाग करिएगा, एक 264 आएगा, और 264 का टेबल पढ़िएगा एक बार तो वहीं आ जाएगा, ठीक है। माइनस, ये दोनों एक में है तो 264 है, 264 कट जाएगा, ऊपर 7 × 14 हो जाएगा, ओके। अब देखिए नीचे से नीचे का बन जाएगा, कट जाएगा तो हम लोग कितना बचेगा, यहाँ उतार रहे हैं टेन इनवर्स, यहाँ उतार रहे हैं टेन इनवर्स, ऊपर हो जाएगा 125 हो जाएगा, और नीचे 250 हो जाएगा। कटाइएगा तो टेन इनवर्स, कटाइएगा तो टेन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, 2 कटाइएगा तो टेन इनवर्स 1/2। इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन क्या हुआ, प्रूफ हुआ। इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन क्या हुआ, प्रूफ हुआ। इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन क्या हुआ, प्रूफ हुआ, ओके। तो ध्यान देना है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स 2/11 है प्लस tan इनवर्स 7/24 है, तो tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 या फार्मूला पर बटा में 1 माइनस 2/11 7/24। एलसीएम लेने आ रहा है तो 11/24 के एलसीएम 264, काटाए हैं 11 का पहाड़ा कब बार पड़ेगा तो 264 आएगा, 24 बार में, और 24 का पहाड़ा दो बार पड़ेगा तो 48, 24 का पहाड़ा 11 बार पड़ेगा 264, 11 का पहाड़ा 7 बार पड़ेगा 77, फिर नीचे वाला का भी वही 264 से 264 का कट जाएगा, हल किया पर इतना है, ठीक है। अब सुनिएगा, अप्रूव हो गया। अब देखिए थोड़ा सा हम और चेंज करना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग का दिमाग ये दौड़ता कि हम कटा दे, हम इसको क्या कर दे, कटा दे, हम इसको क्या कर दे, कटा दे, तो जब कटाइएगा तो कटाने के बाद का हल करें, सुनिएगा, कटाने के बाद का हल करेंगे तो टेन इनवर्स ध्यान दीजिएगा 2/11 हो जाएगा, और प्लस 7/24 हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस कटाइएगा तो 7/12 बार में कटे, कितना बार में 12, और नीचे आ जाएगा 132, 100 कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं था, क्या है, एक है। अब ध्यान दीजिएगा जब इसको हल करेंगे तो टेन इनवर्स इसका लीजिएगा तो 264 हल करने आएगा 48 प्लस 77, और नीचे एलसीएम ले जाएगा एक का 132 का एलसीएम 132 हो जाएगा, तो 132 माइनस कितना बन जाएगा 7 हो जाएगा। हल करिएगा टेन इनवर्स, ऊपर हल करने पर कितना आएगा, तो ऊपर जब हल करिएगा तो हम लोग का आएगा 125/264 इंटू, ये जब पलटिएगा चरवाला है तो 132/ नीचे घटकर 125 आ गया, 125 से 125 कट जाएगा, और ये कट जाएगा तो टेन इनवर्स 1/2। तो दोनों तरह से आपका आंसर आएगा, ये मत समझिए कि नहीं कटाएंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा और कटा देंगे तो आपका आंसर अलग आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आपको आपको जब भी बनाइएगा तो आप दोनों में से किसी तरीका, लेकिन हमको जो आसान पड़ेगा हम कटाएंगे नहीं, हम जो बनाएंगे हम कटाएंगे नहीं, क्योंकि जब कटा देंगे तो थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा एक रूप, इसलिए हम कटाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट एलसीएम उसका निकाल लेंगे, ओके। चलिए एक क्वेश्चन नंबर आप लोग का कौन सा हो गया, थर्ड हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम एक आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग इसके बेस पर हम क्वेश्चन नेक्स्ट बनाएंगे, ठीक है। ये आप एग्जांपल समझ लीजिए, आप लोग का क्वेश्चन नंबर ये नहीं है,
क्वेश्चन नंबर एग्जांपल में आप लोगों को दे रहे हैं इस रूल पर कि आप लोग बना लीजिए, आपको बनाने आ जाए। ओके दे रहा, देखिए टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/4 इक्वल टेन इनवर्स 9/29। ये हम लोग को लाना है, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन दिया है और इसके बराबर हम लोग को क्या करना है, लाना है। ओके तो चलिए, कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है कि टेन इनवर्स LHS ले लिया जाए, LHS लिया जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा टेन इनवर्स 1/5 टेन इनवर्स 1/4 इक्वल टेन इनवर्स 9/10 इनवर्स इतना है। चलिए इसके बराबर हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। ओके इसके बराबर तो देखिए एक फार्मूला काम करेगा वहां पर, x का काम करेगा 1/5 और y का काम करेगा 1/4। ओके तो लिखा जाएगा tan इनवर्स, फार्मूला क्या होता है 1/5 प्लस 1/4 अपॉन 1 - 1/5 × 1/। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया जाए tan इनवर्स LCM 20 हो जाएगा और 5/4 जा 4 यहाँ 5 हो जाएगा LCM लेकर कटाने पर, इसके नीचे कुछ नहीं देखा 1 है, 1, 5, 4 के LCM में भी 20 हो जाएगा, भागा देंगे तो 20 - का हो जाएगा। ओके ऐसे हल कर लीजिएगा, 20 से 20 का हो जाएगा कट जाएगा, हल करिएगा हम लोग कितना आ जाएगा tan इनवर्स 9/20। ओके तो समझ गए होंगे कैसे इसको हल किया जा रहा है, इसमें तब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को बनाया जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग को बनाना है, ठीक है तो समझ गए होंगे। चलिए एक बार हम क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, इसके आधार पर देखिएगा tan इनवर्स, अगला क्वेश्चन है 1/2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल tan इनवर्स 3/5 और tan इनवर्स 1/4। ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें दोनों को हल करना होगा, इसमें क्या करना होगा, दोनों को हल करना होगा, दोनों का वैल्यू बराबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे सत्यापित है, नहीं आएगा तो नहीं है। ओके तो सुनिएगा, जब सोल्व किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 1/4, ये दोनों का फार्मूला यूज होगा तो फार्मूला ध्यान दीजिएगा यूज करिए कैसे 1/2 प्लस 1/3 और यहाँ जब हल करेंगे तो 1/2 × 1/3। देखिए ये फार्मूला है, यहाँ पर फार्मूला पर बैठाया जा रहा है। ओके फिर इसके बराबर हल किया जाएगा tan इनवर्स 3/5 और यहाँ लिखेंगे प्लस 1/4 अपॉन 1 - 3/5 × 1/4। ओके इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स LCM कितना होगा 6 हो जाएगा या 3+2 ऊपर हो जाएगा और नीचे LCM लीजिएगा तो नीचे का LCM 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे का LCM कितना हो जाएगा 6 - 1/6 हो जाएगा। देख लीजिए ये 6 ले 6 का हो जाएगा कट जाएगा, इसका जब हल किया जाएगा तो इसका हल करने के बाद आएगा 20 आएगा, क्या आएगा 20 आएगा और 20 ये 12 ऊपर हो जाएगा और नीचे हम लोग का कितना हो जाएगा ऊपर 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू ऊपर हम लोग का कितना हो जाएगा, ऊपर हम लोग का 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 और नीचे जब हल किया जाए तो नीचे हल का 20 माइनस का है 3 हो जाएगा, देख लीजिए अच्छा से 3 हो जाएगा, ठीक है ना 20 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हल किया जाए 20 से 27 का हो जाएगा कट जाएगा, 20 से 27 का हो जाएगा, 20 से 27 क्या हम लोग का कट जाएगा, एक बार फिर से मिला लीजिएगा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2
क्लियर है। अब जब इसको हल किया जाएगा तो इसको मिटा रहे हैं अब क्वेश्चन को, जब इसको मिटाएंगे तो देखिएगा अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स फाइव बाई नीचे कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स फाइव बाई कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स फाइव बाई कितना बन जाएगा, टेन इनवर्स फाइव बाई कितना बन जाएगा, फाइव हो जाएगा। आप प्लस ए बन जाए इक्वल में हो जाएगा, टेन इनवर्स ऊपर कितना बन जाएगा, सेवेंटी बाई का बन जाएगा, सेवेंटी हो जाएगा। कट कर टेन इनवर्स कितना बन जाएगा, वन हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, टेन इनवर्स ए भी कितना बन जाएगा, वन हो जाएगा। दोनों हम लोग का बराबर है ना, दोनों हम लोग का बराबर है ना। आई होप समझ गए होंगे कैसे इसके फार्मूला को बैठाया जा रहा है। आगे और सब क्वेश्चन दे रहे हैं और आप लोग क्वेश्चन इसके बेस पर दे रहे हैं कि एकदम फार्मूला क्लियर हो जाए। सुनिएगा, तीसरा हम आप लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा हम आप लोग का एग्जाम्पल दे रहे हैं इसके बेस पर, ध्यान दीजिए। टेन इनवर्स टू बाई फाइव प्लस टेन इनवर्स वन बाई थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाई ट्वेल्व इक्वल पाई बाई क्या लाना है, फोर लाना है। पाई बाई हम लोग को क्या लाना है, फोर लाना है। क्या लाना है बाबू, पाई बाई क्या लाना है, फोर। सुनिएगा, तो जब इसको हम लोग हल किया जाएगा तो पहले लेंगे एल एच एस, क्या लेंगे, एल एच एस, ठीक है। तो टेन इनवर्स कितना है, टू बाई फाइव प्लस टेन इनवर्स कितना है, वन बाई थ्री प्लस टेन इनवर्स कितना है, वन बाई ट्वेल्व, ठीक है। इसके बराबर हम प्रूव करें यहाँ पर, देखिएगा हम लोग का तीन गो वाले का फार्मूला नहीं लिखे हैं, और होता है लेकिन हम लिखवाए नहीं है, तो हम दो को पहले इसको लेकर चलेंगे, पहले इन दोनों का फार्मूला यूज करेंगे, ओके। तो देखिए दोनों का क्या होगा, टेन इनवर्स क्या बन जाएगा, टू बाई क्या बन जाएगा, फाइव प्लस वन बाई थ्री, और नीचे वन माइनस टू बाई फाइव इंटू वन बाई थ्री। इसको हम ऐसे उतारते जाएंगे, इस पोर्शन को हम उतारते जाएंगे, इस वाले पार्ट को उतारेंगे, हल किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स ब्रैकेट लीजिएगा तो कितना बन जाएगा, फिफ्टीन, ए हो जाएगा फाइव, थ्री जाएगा सिक्स हो जाएगा ऊपर, और ये क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा फाइव। नीचे हल किया जाएगा तो फिफ्टीन माइनस टू अपॉन क्या बन जाएगा, फिफ्टीन। क्लियर है, जब इसको हल करेंगे तो टेन इनवर्स वन बाई क्या बन जाएगा, टेन, फिफ्टीन से फिफ्टीन का हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ हल किया जाए टेन इनवर्स कितना बन जाएगा, टेन इनवर्स इलेवन बाई कितना हो जाएगा, इलेवन बाई क्या बन जाएगा, थर्टीन हो जाएगा। और फिर एक बचेगा टेन इनवर्स वन बाई ट्वेल्व हो जाएगा। फिर इसको हल किया जाए तो टेन इनवर्स इसको हल करेंगे तो वन बाई थर्टीन प्लस वन बाई ट्वेल्व अपॉन हल करेंगे वन माइनस इलेवन बाई थर्टीन इंटू वन बाई ट्वेल्व हो जाएगा। हल करिए यहाँ पर कितना आ जाएगा बाबू, टेन इसका एलसीएम जब लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा बारह तीन छत्तीस, मतलब बारह ट्वेल्व थ्री जब थर्टी सिक्स, अब बारह 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 तीन पंद्रह हो जाएगा, बारह बारह तीन कितना हो जाएगा, पंद्रह, बारह बारह तीन पंद्रह, तो सुनिए कटेगा तो बारह बारह में ग्यारह से एक सौ बत्तीस ऊपर हो जाएगा। अब प्लस ए बन जाएगा कितना, ए बन जाएगा कटेगा तो ए हो जाएगा तेरह, नीचे आएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एक सौ छप्पन हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक सौ छप्पन माइनस ग्यारह हो जाएगा, ठीक है। एक सौ छप्पन से एक सौ छप्पन कट जाए कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स ऊपर कितना हो जाएगा, तो एक सौ पैंतालीस हो जाएगा, और नीचे भी एक सौ कितना बन जाएगा, पैंतालीस कट जाएगा ना ये, तो कटेगा तो हम लोग कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स वन आ जाएगा। और आप लोग जानते हैं ना टेन इनवर्स वन, तो टेन में कितना का वैल्यू है, पाई बाई फोर का, कट कर आ जाएगा पाई बाई फोर, इसलिए प्रूव हो गया ना बाबू। तो आप तो समझ गए होंगे कि कैसे इस फार्मूला को हम लोग को यूज करना है, कैसे इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो देख लिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसमें तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये आप लोग एग्जाम्पल दिए हैं, क्या दिए हैं बाबू, इस पर एग्जाम्पल, ओके। तो कितना भी आप लोग का टर्म रहेगा ना बाबू, कितना भी टर्म रहेगा तो आप लोग ऐसे ही हल करिएगा,
कितना भी टर्म रहेगा ना आप लोग ऐसे ही हल करिएगा, ओके। कितना भी टर्म रहेगा ना तो आप लोग को हल ऐसे ही करना है, ओके। चलिए एग्जाम्पल एक और हम आप लोग को देना चाह रहे हैं कि एकदम कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, एक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए जो आप लोग को कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई उसमें प्रॉब्लम ना आवे। तो एक और हम आप लोग को एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा टैन इनवर्स, टैन इनवर्स कितना हो जाएगा 1/3 प्लस टैन इनवर्स कितना है 1/5 प्लस टैन इनवर्स कितना है 1/7 प्लस टैन इनवर्स कितना है 1/8 इक्वल पाई बाई कितना है। बना लीजिएगा इसमें चार गो टर्म है, कौन गो टर्म है तो पहले दो दो का जोड़ा बना लीजिएगा, जोड़ा हल करके फिर एगो एगो अगर फिर हल करिएगा लास्ट में आ जाएगा, ओके। अब हम अपने बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर हम चार बनाने जा रहे हैं, हम अपने बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर चार बनाने वाले हैं। देखिएगा दिया हुआ है 2 tan inverse 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल लाना है tan inverse 31/70। एक एनसीईआरटी का आप लोग का चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सुनिए जवाब, इसको भी प्रूफ किया जाए, तो इसको जब प्रूफ करेंगे तो LHS लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा LHS। तो LHS में क्या है 2 tan inverse 1/2 है आप प्लस tan inverse 1/7 का है। अब ध्यान देना है क्या हम लोग का ए वाला फार्मूला बैठेगा, क्या ए वाला फार्मूला हमारा काम करेगा, नहीं काम करेगा भाई। ये फार्मूला तभी काम करेगा, सुनिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला तभी काम करेगा जब उसके आगे कोई अंक ना हो, जब उसके आगे कोई वैल्यू ना हो, कोई अंक ना हो, और इसके आगे का दे दिया है, अंक दे दिया है, इसलिए ये फार्मूला बैठाइएगा तो आपको गलत मारेगा, ये आपका फार्मूला काम नहीं करेगा। जब नहीं काम करेगा तो हम कौन प्रयोग करेंगे, तो आप लोग जानते होंगे ये प्रॉपर्टी नंबर आप लोग का 10 या 9 जो भी होगा, देख लीजिएगा 2 tan inverse 6 का फार्मूला हम आप लोग लिखवाए हैं, tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x2 इसी के बराबर होता है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x2 और इसी के बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 - x2 बाई 1 + x2। ये इसका 3 फार्मूला है, कौन फार्मूला है 3 गो। लेकिन अब बात करना है कि तीनों में से हम किसको प्रयोग करेंगे, तो हम इसको प्रयोग करेंगे क्यों, क्योंकि हमको टेन के रूप में आंसर लाना है, क्यों, क्योंकि हमको टेन के रूप में आंसर लाना है। तो एक और आप समझ सकते हैं कि टेन है तो यहाँ भी टेन है तो टेन ही लाना पड़ेगा, इसीलिए याद रखिएगा ए फार्मूला यूज करेंगे। तो पहले दो को क्या करेंगे हटाएंगे, तो कैसे हटाएंगे सुनिएगा, टेन इनवर्स फार्मूला में दो होता है, देखिएगा फार्मूला में दो होता है, एक्स का काम कौन करेगा हमारा 1/2 हो जाएगा, नीचे लिखेंगे 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, क्लियर है, प्लस टेन इनवर्स इसको ऐसे ही लिख देना है क्योंकि इसके आगे कोई अंक नहीं, अगर इसके आगे अंक होता तो हटाते, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बाबू tan inverse 1/1 - 4 हो जाएगा, क्लियर है, tan inverse कितना बन जाएगा 1/7, हल करिएगा tan inverse कितना 1/3/4 हो जाएगा, जब एलसीएम लेकर घटा कर करिएगा तब tan inverse 1/ का बन जाएगा 7 हो जाएगा, पलटेगा ना बाबू, जब पलटेगा तो कितना आएगा पलट कर tan inverse 4/3 हो जाएगा, tan inverse 4/3 प्लस tan inverse कितना बन जाएगा 1/7 हो जाएगा, एलसीएम लिया जाए tan inverse, ध्यान ये फार्मूला होता देखिएगा, अब ए वाला फार्मूला हमारा काम करेगा, अब हम लोग का ए वाला फार्मूला ये काम करेगा, तो समझ गए कि tan inverse x प्लस tan inverse y का फार्मूला हम तभी बैठाएंगे, tan inverse x प्लस tan inverse y का फार्मूला तभी बैठाएंगे, tan inverse x प्लस tan inverse y का फार्मूला तभी बैठाएंगे, tan inverse x प्लस tan inverse y का फार्मूला हम तभी बैठाएंगे जब जब क्या हो, जब उसके आगे कोई अंक नहीं रहेगा, तब जब उसके आगे अंक होगा तो अंक में या तो
अंक में या तो हमारा दो नहीं तो तीन आ सकता है, अंक में या तो हमारा दो नहीं तो क्या आ सकता है, तीन आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो फार्मूला प्रूफ किए हैं वो दो और किसका प्रूफ किए, तीन वाले का। इसलिए सुनिएगा और फिर देखिएगा, 4/3 प्लस 1/7 माइनस 4/3 इंटू 1/7। क्लियर है? टाइम इनवर्स एलसीएम 21 हो जाएगा, हल करेंगे तो 16 ऊपर हो जाएगा ना, और ये हल करेंगे तो कितना, ठीक है, हल किया जाए। अब देखिए ये जब हल करिएगा तो इसका जब एलसीएम किया जाएगा तो 4/3 कितना आया है बाबू, 3 आया है। कितना है 4/3, कितना है हम लोग का, 3 आ गया। ओके, 4/3 कितना आया है, 3। तो ध्यान दीजिएगा, ये हल करेंगे तो 3/3 कितना बन जाएगा, 4, पलटेगा इतना आ जाएगा, पलटेगा इतना, एलसीएम लेंगे 21, कितना बार में, 7 बार में, तो 7 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा प्लस 3 होगा। नीचे का एलसीएम लीजिएगा तो आप लोग जान गए होंगे, नीचे भी 21 और 21 माइनस 4 हो जाएगा। हल करिएगा 21 कैंसिल हो जाएगा, हल करिएगा लास्ट में आपका आएगा टेन इनवर्स 31/17। तो इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, प्रूव हो गया। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग दो प्रॉपर्टी आज याद करके जाइए, पीछे आप लोगों को 4 में याद करवाए थे, आप दो आज दो को याद रखिए, कौन कौन, छठा प्रॉपर्टी कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई रहेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई रहेगा, तो उसका फार्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। और एक फार्मूला याद रखिएगा, टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला तीन रूपों में होता है, साइन के रूप में, टेन के रूप में, कॉस के रूप में। अब आपका क्वेश्चन कैसा है उसके अनुसार हम लोग इसको क्या करेंगे, उसमें कन्वर्ट करेंगे। ओके, कन्फर्म हो गया, देख रहे हैं कैसे हल करना है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है, इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ओके, क्वेश्चन आप लोग को इसके बेसिस पर हम आप लोग को दे रहे हैं, इसके बेस पर हम आप लोग क्वेश्चन 4-3-2 दे रहे हैं। कौन को दे रहे हैं आप लोग को, दो ठो क्वेश्चन आप लोग को इसके बेस पर दे रहे हैं। सुनिएगा क्या है क्वेश्चन, एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर, सुनिएगा, टू टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/4 और इक्वल में है टेन इनवर्स 32/43। ओके, सोल्व किया जाए तो सोल्व करेंगे तो देखिएगा, एलएचएस ले लीजिए तो क्या, टू टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/4। तो देखिए 2 tan इनवर्स, फिर आ गया 2 आ गया तो 2 को पहले हटाएंगे तो tan इनवर्स इसका फार्मूला आता है, फिर एक बार याद रखिएगा, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हम लोग का फॉर्मूला है। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ा जाए तो पहले इसको बैठाएंगे, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा कि ये फार्मूला तभी यूज करिएगा जब इस दोनों के आगे कोई अंक नहीं रहेगा तब, और जहाँ अंक आ जाएगा तो पहले उस अंक को हटाइएगा, और अंक हटाने के बाद तब इस फार्मूला का यूज करेंगे। ओके, तो सुनिएगा, 2 × 1/5 1 − 1/5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा टेन इनवर्स 1/4, टेन इनवर्स 2/5 बन जाएगा और 1/1/25 हो जाएगा। इसको उतार रहे हैं टेन इनवर्स 1/4। अब सुनिएगा, टेन इनवर्स
टू बाई फाइव हो जाएगा। अरे पलटेगा सुनिएगा, एक लाइन और उतार दे रहा है, टू बाई फाइव अरे ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी फाइव। कब? जब एलसीएम लिए हैं तब। एक कब? जब एलसीएम लिए हैं तब। टेन इनवर्स वन बाई फोर हो जाएगा। अब ये क्या है बाबू, चार महला है ना, तो चार महला है तो दो महला बनाइएगा, टू बाई फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी फोर अब प्लस हो जाएगा टेन इनवर्स वन बाई फोर। जब इसको काट कूट करिएगा तो काट कूट करने के बाद आ जाएगा फाइव बाई, नीचे ट्वेल्व आ जाएगा, फाइव बाई क्या आ जाएगा ट्वेल्व आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा टेन इनवर्स वन बाई कितना बन जाएगा फोर। फिर यहाँ फार्मूला यूज करेंगे तो फाइव बाई ट्वेल्व प्लस वन बाई फोर, नीचे वन माइनस फाइव बाई ट्वेल्व इंटू वन बाई का बन जाएगा। ओके ध्यान देना है, फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा टेन इनवर्स बोलिएगा फोर्टी एट हो जाएगा, फोर्टी एट हो जाएगा और ऊपर ट्वेंटी या प्लस, फिर नीचे हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा। नीचे जब हल करिएगा तो नीचे एलसीएम फोर्टी एट आएगा और फोर्टी एट माइनस फाइव हो जाएगा, फोर्टी एट से फोर्टी एट कैंसिल हो जाएगा। जब इसको ऐड करिएगा ऊपर, ऊपर ऐड करेंगे जोड़ करेंगे थर्टी टू और नीचे घटाइएगा तो फोर्टी थ्री। इस तरह से हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर चार के बेसिस पर जो हम लोग का एग्जाम्पल दिए है ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, एक हम आप लोग के क्वेश्चन बनाने के लिए दे दे रहे हैं, इसके बेस पर आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, आप लोग इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, टू टेन इनवर्स वन बाई थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन इक्वल पाई बाई फोर, टेन इनवर्स वन बाई सेवन इक्वल पाई बाई फोर। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखे एनसीईआरटी के 2.2 का क्वेश्चन नंबर चार तक, और क्वेश्चन नंबर चार तक के बेसिस पर जो क्वेश्चन दिए हैं आप उसको अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा, और हमें उम्मीद होगा कि आप इस वीडियो को देखिएगा, एकदम गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। अगर जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आएगा उस प्रॉब्लम को कॉमेंट बॉक्स में जरूर कॉमेंट करिएगा, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।